370 किलोमीटर हम मध्य प्रदेश में चले, उससे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र से ही यात्रा निकली और अब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जाएगी और फिर श्रीनगर में हम ये जो तिरंगा है उसको लहराएंगे। ये जब हमने ये यात्रा शुरू की तो काफी लोगों ने हमें कहा, बातचीत हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, तो काफी लोगों ने कहा कि देखिए इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए। दिग्विजय जी हैं यहां पे, उनको याद होगा जब दिग्विजय जी और बाकी लोगों ने कहा कि इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आप यात्रा को गाड़ी में करवाना चाहते हैं तो मैं आपका आदमी नहीं हूं, फिर आपको किसी और से करवानी पड़ेगी। अगर यात्रा पैदल करनी है तो फिर मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूं। और इसके पीछे मेरी सोच थी, सोच ये थी कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जो हमारे राजनेता हैं, और मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, जो हमारे राजनेता हैं उनके बीच में और जनता के बीच में बहुत दूरी हो गई है। राजनेता कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, हमारे तरीके से उड़न खटोला बोल दो उसमें, उसको उड़न खटोले में आते हैं, कभी गाड़ी में आते हैं। और मैंने सोचा कि 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को समझना है, हिंदुस्तान के किसानों से बात करनी है, उनकी इज्जत करनी है, युवाओं की इज्जत करनी है, मजदूरों की इज्जत करनी है, तो पैदल चलने की जरूरत है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की आम जनता सड़कों पे चलती है वैसे ही हमें करना चाहिए। काफी लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, बहुत लंबा है, 3,700 किलोमीटर है, मुश्किल हो जाएगी, कैसे चला जाएगा। हमने कहा नहीं, हम रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं, चला जाए तो चला जाए, नहीं चला जाए तो रुक जाएंगे। और हम सब यात्रियों के साथ कन्याकुमारी से निकले। और आमतौर से क्या होता है, अगर लंबा सफर होता है तो शुरुआत में थकान नहीं होती, और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं थकान बढ़ती जाती है। आप लोगों ने सफर किए होंगे, आपको ये मालूम है। मगर इस सफर में बड़ी अजीब बात हुई, जो शुरुआत में थकान थी वो कम होती गई। और ऐसा समय आया, मैं दिवाली के लिए घर गया, वहां पे मैं अपने घर में पलंग पे लेटा हुआ था और सुबह उठा और मैंने सोचा कि भाई मैं तो वापस अपने कंटेनर में जाना चाहता हूं, यहां मुझे ठीक नहीं लग रहा। और आप यात्रियों से पूछेंगे तो 8 दिन में हमारी एक ब्रेक होती है, आप उनसे पूछिए, उस दिन कहते भैया आज मजा नहीं आ रहा, हमें चलना है। और अगर आप देखें तो वहां पे, यहां हमारा कॉम्पाउंड होता है, वहां पे आगे पीछे चलते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम जो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और आपने आपने अपने मोहब्बत देकर, अपना सपोर्ट देकर हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है। पता ही नहीं लग रहा, मैं आपको बता रहा हूं। आज कमलनाथ जी, मैं बता देता हूं, आज इनको बुखार है, बुखार है, दवाई खाएं। आज इन्होंने मुझे सुबह बोला कि मुझे 101 बुखार है। मैंने कहा रेस्ट ले लो, कहते नहीं, आखिरी दिन मैं भी चलना चाहता हूं, मैं रेस्ट नहीं लूंगा, मैंने दवाई खा ली। और देखिए अब मुस्कुरा रहे हैं। और ये सिर्फ कमलनाथ जी की बात नहीं, ये सारे सारे के सारे हमारे नेता हैं। 370 किलोमीटर हमारे सब नेताओं ने चला है, और आपसे बहुत सीखने को मिला है। किसानों से बात हुई, किसानों ने हमें पूरा पूरा समझाया। कपास के किसानों ने, सोया के किसानों ने, लहसुन के किसानों ने, सब ने उनकी जो मुश्किलें हैं, उनका जो दर्द है, गहराई में घंटों हम सुने, गहराई में बारीकी से उन्होंने हमें समझाया। बीमा का पैसा डालते हैं, प्राइवेट कंपनी को पैसा दिया जाता है, तूफान आता है, बारिश हो जाती है, खेत बर्बाद हो जाता है, कंपनी का कोई नहीं मिलता। ये देखो, इनका बीमा नहीं मिला। तो ऐसे आपका नाम क्या है, पाटीदार जी, जैसे हजारों लोग इन सड़कों पे हमसे मिले, इन्होंने ये कहा। देखिए मैं आपसे पूछता हूं, आपको जो यहां किसान खड़े हैं, आपको सोयाबीन के लिए सही दाम मिलता है?